नीट के साथ साथ एनटीए जो भी प्रवेश परीक्षा ले रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे देश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य प्रभावित हो रहा है। ताजा मामला कॉलेजेस में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा यानी सीयूईटी यूजी से जुड़ा हुआ है। नीट के बाद अब सीयूईटी यूजी की परीक्षा में भी गड़बड़ी पाई गई है। एनटीए अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाया है जनवरी से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में सभी छात्र चिंतित हैं। भूगोल से लेकर कंप्यूटर साइंस, कानूनी अध्ययन, मनोविज्ञान, अंग्रेजी के 2 दर्जन से ज्यादा उत्तर गलत होने के आरोप लगाए गए हैं। गलत उत्तर को सही ठहराने के लिए फिर छात्रों से हर सवाल पर 200 रुपए की फीस वसूली गई। सीयूईटी यूजी की परीक्षा 16 मई से 23 मई 2024 के बीच हुई। एनटीए से जारी 6 विषयों के आधे से ज्यादा आंसर की के जवाब ही गलत हैं, ऐसा अभिभावकों और छात्रों का कहना है। तो अब इस परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी पूरे छात्र अभिभावक सब लोग परेशान हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। जी बिल्कुल आरजू, क्योंकि जुलाई के महीने से दाखिले की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों में शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक आप सोचिए कि सीयूटी यूजी की परीक्षा होने, इसका रिजल्ट जून में ही आना था, लेकिन जुलाई बीतने को है और अभी आंसर की इन्होंने प्रोविजनल अपलोड की है और अब छात्रों से ये कहा है कि आप उस पर आपत्ति दर्ज करें। हर चीज में एनटीए बस छात्रों से, आप सोचिए कि पैसा, भाई गलती आपकी है, उत्तर आपने गलत उसमें लिखे और अब छात्र आपकी गलती को अपने पैसे से आपको ही बताएं और आप पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। मतलब आपने नीट की परीक्षा करवाई, उसमें शिकायतें तमाम सारी गड़बड़ियों की आ रही हैं और अब आपने सीयूटी की जो परीक्षा करवाई उसमें तमाम सारी शिकायतें लोगों की आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी शिकायत सही होती है तो फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। यानी आप सोचिए कि पेन कितना जो है वो छात्र उठाएं, गलती एनटीए की, री एग्जाम फिर जो है वो छात्र दें और खुद का पैसा दोबारा फिर भरें। मतलब कोई इसका लॉजिक ही नहीं है। और आप समझिए कि कई सारे छात्रों की हम लोगों के पास में फोन आए हैं कि अब वो थक हार कर प्राइवेट विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, परिणाम घोषित हो चुके हैं प्लस टू के और उसके बाद में छात्र घर बैठा हुआ है कि एनटीए कब रिजल्ट घोषित करेगा। और अभी ये कहा जा रहा है कि जिन उत्तर पर आपत्ति दर्ज होगी उनका जो है उनकी परीक्षा 15 से 19 जुलाई के बीच एनटीए करवाएगा, यानी अभी उनकी परीक्षा फिर करवाएगा, फिर आप देखिए कि रिजल्ट कब आता है। तो पूरा अगर जुलाई बीत जाता है तो आप समझिए कि काउंसलिंग कब होगी और पूरे देश भर के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो सारे सीयूईटी से जुड़े हुए हैं। आप समझिए कि उन सभी 1 लाख बच्चों का जो दाखिला है वो सारा अभी रुका पड़ा हुआ है। कई सारे जो बच्चे हैं वो मोटी फीस देकर प्राइवेट विश्वविद्यालयों में दाखिला अपना ले रहे हैं क्योंकि अभी तक दाखिले के ऊपर, अभी तक परीक्षा के परिणाम के ऊपर में कोई जो है एनटीए का जवाब नहीं है। तो इसी से आप सोचिए कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक एनटीए ले रहा है उन सब पर कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। वो चाहे इनका उत्तर गलत हो तो उसको छात्र बताए, 200 रुपया भी जमा करवाए, फिर वो री एग्जाम भी दे, फिर वो दूसरे सेंटर पर आए एग्जाम देने के लिए। तो पूरा जो मानसिक दबाव है वो इस वक्त छात्र और अभिभावकों के सर पर है। एनटीए किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, यानी वो केवल जो है वो शेड्यूल घोषित कर देते हैं। अगर आप उनसे इन सारे सवालों के जवाब पूछिए तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया में नहीं है, कोई छात्रों का जवाब देने को तैयार नहीं है कि जो परेशानी आ रही है उसका आखिर क्या हल है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर एनटीए को विचार करना चाहिए।